सिलेंडर 1180 का है, बिजली का बिल 3000 आता है। अपना भैया हमें तो वही दे दो जो पहले था, और अपना राशन आप वापस ले लो, हमें जरूरत नहीं राशन की। बागपत बड़ौद के आदमी यही लौट जाएंगे सारे, पल भी जाग है, हमें जरूरत ना किसी घाट पीट देगी। आरक्षण लेने आए, आरक्षण लेके जाएंगे। आरक्षण नहीं तो 2024 में वोट नहीं। राम मंदिर से हमें क्या लेना, राम मंदिर में क्या है? नाम चाहिए या नौकरी चाहिए? नौकरी, नाम चाहिए। नाम मिलेगा तो नौकरी अपने आप मिल जाएगी, बच्चे अपने आप नौकरी ले लेंगे। हमारी जात को, हमारी बिरादरी को अभी एक नाम चाहिए, हमारा आरक्षण दो, हमारी मांगे पूरी करो, हम और कुछ नहीं चाहिए मोदी जी से। आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करो, नहीं तो 1000 तो मार्च तक है, नहीं 10000 होंगे। बताते हैं कि एक बटन कोई भी दबा दो जाएगा कमल के फूल को। हम राम राज से इत्तेफाक नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? हिंदू है। सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ। आप लोग मेरे पीछे देखें कितने सारे लोग हैं, पीछे में आपको गाड़ियाँ दिखाई पड़ेंगी, और यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं जो ये लोग कुछ चीज़ों का मांग कर रही है। ये लोग आरक्षण का मांग करने के लिए आई हैं, तो इन लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आई हैं और क्या मांग है आप लोग? कहाँ से आई हैं आप? नंगला राठी से आई। कहाँ, कौन सा राज्य है? जिला मेरठ। कहाँ से आई? हम उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से आई। राम मंदिर से हमें क्या लेना, राम मंदिर में क्या है? क्या और क्या क्या किए हैं? बच्चे हमारे भूखे मर रहे, बच्चों को इलेक्शन हमें दो ना, गंगा जल उठाया हमने हरिद्वार से, यहाँ पे आओ हमारा गंगा जल ले और हमारा इलेक्शन हमें दो। महिलाएं तो सुरक्षित हैं, महिलाओं को तो सम्मान दे रहे हैं। अजी महिलाओं को भी क्या वो दे रहे हैं? महिलाओं को नो बताओ, तुझ मुझ की मजदूरी करते हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, नो बताओ। दीदी आओ, दीदी कहाँ से आई? मैं तो दिल्ली से आई हूँ। हाँ। लेकिन जो कहाँ की रहने वाली है? मेरठ पलमपुरम। उत्तर प्रदेश? जी उत्तर प्रदेश की। अच्छा, तो क्या तकलीफ हो गई है जो आप लोग यहाँ आ गए हैं? तकलीफ ये है कि हमारे बच्चों को आरक्षण नहीं है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है। बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं? नहीं, बच्चे होंगे तो हमारे लिए तो फिर बाद में हो ही जाएगा, पहले तो बच्चों के लिए, बच्चों को नौकरी चाहिए ना। हमारी जो, हम घर की औरतें हैं, सब खेती बाड़ी में काम करते हैं, कोई नाम नहीं है हमारी, कोई पहचान नहीं है। लोग पूछते हैं क्या कश्यप है, तो हम चाहते हैं कि हमें हमारा आरक्षण दो, हमारा हक दो, हमको हमारा हक चाहिए हमको। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे फिर रहे इधर उधर, तो गंगा जल लो और आरक्षण दो, और गंगा जल नहीं, आरक्षण नहीं तो गंगा जल भी नहीं, तो हमारी मांगे पूरी करो। मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों के लिए हमारी मांगे पूरी करें। हमारे सब भाई ये हरिद्वार से पैदल चल के जल लेके आए मोदी जी के लिए, तो वो आए हैं और जल के लिए जल लेके आए मोदी जी के लिए जल लेके। क्यों, जल का क्या करेंगे मोदी जी, क्या करेंगे? मोदी जी ने बोला था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। हाँ। तो हम मोदी जी को यहीं गंगा मैया को ले आए। हाँ। गंगा प्यार करती है मोदी जी? बिल्कुल प्यार करते हैं। हमें मोदी जी से आरक्षण दो, हमारे बच्चों को आरक्षण चाहिए, हमारे बच्चे फिर रहे धर धर, पढ़े लिखे बच्चे हमारे सब, किसी को नौकरी नहीं है, आरक्षण नहीं है, हमारी जाति की कोई पहचान नहीं है, 3-4 जाति गिनी जाती है आजकल, हमारी जाति कोई नाम ही नहीं आता कहीं भी। नाम चाहिए या नौकरी चाहिए? नौकरी, नाम चाहिए। नाम मिलेगा तो नौकरी अपने आप मिल जाएगी, बच्चे अपने आप नौकरी ले लेंगे। अब नौकरी ऐसे थोड़ी दे देंगे बच्चों को, जब बच्चों को नाम मिलेगा, हमें आरक्षण मिलेगा, हमारी जाति को सम्मान मिलेगा। क्या करेंगे आरक्षण लेके? आरक्षण कुछ तो मिल रहा है, महिलाओं का सम्मान हो रहा है, राशन, पानी, शिक्षा फ्री करवा दो, बात खत्म। राशन खा के पेट नहीं भरता है कि फ्री में राशन दे दिया और वोट ले लिया? राशन खा के पेट नहीं भरता है? वोट तो आप ही देती हैं, आपको कोई हाथ पकड़ के थोड़ी बोलते हैं वोट दो। तो बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के हक के लिए हम आए, हमारे बच्चे हमारा आज सब जाते हैं। क्यों देती हैं, इतनी तकलीफ है तो वोट क्यों देती हैं? अब वो तो हमारे भाई नहीं समझ पाते ना, हमारे गांव के भाई हैं, नहीं समझ पाते हैं इतना। आप भी तो वोट देती, महिलाओं को भी तो अधिकार है। नहीं, महिलाओं को अधिकार है, महिलाएं कर रही हैं, महिलाएं भी आई हैं और आ रही हैं, और हमारे भाई सब ये आए हैं और तो... महिलाएं आ रही हैं। हाँ, अभी आ रही हैं और शाम तक आ जाएंगी। और कब तक रहेंगी यहाँ? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे यहीं पे बैठी रहेंगी। हाँ, बैठे रहेंगे। इस बार और वोट दीजिए, फिर कहीं हो जाए मांग पूरी। 2024 में चुनाव होने वाला है, किसको वोट देंगी? मोदी जी को वोट देंगे, अगर मोदी जी हमें आरक्षण देंगे, हमारी मांगे पूरी करें, मोदी जी वोट लो। मोदी जी कितना प्यार करती हैं, फिर भी वोट ले, फिर भी आपको 8 साल से तो मोदी जी का ही राज है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी हमारी जात को, हमारी बिरादरी को अभी एक नाम चाहिए, हमारा आरक्षण दो, हमारी मांगे पूरी करो, हम और कुछ नहीं चाहिए मोदी जी से। लगता है दे देंगे? हाँ, उम्मीद है मोदी जी मानेंगे, इतना प्यार है। हाँ, मोदी जी अच्छे आदमी है, मानेंगे हमारी बात। कैसे अच्छे आदमी है, क्या किया है ऐसा? सुनते हैं मोदी जी सबकी बात, सुनते हैं। क्या क्या सुन लिया आप लोगों? अब देखो, हमारा सुनेंगे, हम भी इसलिए आए कि जब सबकी सुनी तो हमारी भी सुनेंगे। सबकी क्या सुनी भाई? सबकी इच्छा पूरी करते हैं, जाते हैं जगह जगह, मोदी सुनते हैं।
देश विदेश में जाते हैं तो हमारी इच्छा भी पूरी करेंगे मोदी जी। ये तो बोल रही है कि मोदी जी सुन लेंगे, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, लगता है मोदी जी सुन रहे हैं सब। हाँ मोदी जी सुनेंगे तो हम काम करेंगे, नहीं तो वोट नहीं। सुना है आज तक मोदी जी ने? सुना है। क्या 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 कहते हैं? गरीबी हटाएंगे, गरीब मालदारों को हटा दिए, मालदारों को लिया गरीब हटा दिए। अच्छा अच्छा, क्या बोलते हैं मोदी जी? गरीबी हटाएंगे, मालदारों को लाएंगे। आ गए ना, माल पानी है पॉकेट में? कुछ भी ना, खाली कर दिया सब। 1000 रुपए और मांग रहे हैं। किस बात का? आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करो, नहीं तो 1000 तो मार्च तक है, नहीं 10000 होंगे। राम मंदिर टीका चंदन लगा के आए, राम मंदिर में जाके पूजा कीजिए, रामराज आ गया। क्यों रामराज? हम रामराज के वंशज नहीं है। हमने राम जी को पार उतारा है। जैसे राम जी को पार उतारा ऐसे नहीं उतारा। अब ये न मानेंगे तो हम इन्हें भी उतार देंगे। उतार देंगे? हाँ, सीट से उतार देंगे मोदी जी को, सीट से उतार देंगे। हमने राम जी को पार मोदी जी से सब प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं मोदी जी। मैम हम भी मोदी से प्यार ही करते हैं और जी जान से चाहते हैं, उसकी वोट भी देंगे जी जान से, पर हमारी ये मांग है कि हमारा ये आरक्षण दे दे। आरक्षण चाहिए किसको, किसको देंगे? देखिए उधर वो लोग भी आरक्षण मांग रहे हैं। मोदी जी अपने लिए तो 10% आरक्षण 3 दिन के अंदर दे दिया। अपने लिए क्या? वो ओबीसी? हाँ वो ओबीसी में? बिल्कुल ओबीसी नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, वो बनिया है। बनिया? हाँ। चाय बेच के वो प्रधानमंत्री बने? किस स्टेशन में बेची जरा ये भी तो जाहिर करे। किसने चाय पी? आपने? क्या आपने पी? मगर हमारे समाज को 70 साल में आने किसी ने आरक्षण देने का काम नहीं किया है। जो लोग आप लोग बोल रहे, हमारी तो कश्यप जयंती मनाई जाती थी, उसके लिए जो है ना एक दिन की छुट्टी निश्चित की, उस छुट्टी को भी खत्म कर दिया गया। हमारे साथ ऐसा रामराज लाया गया है। आप लोग मनाओ कश्यप जयंती, किसने बोला? तो इसीलिए तो उन्होंने कि कश्यप जयंती भी ना मना पाए, इसीलिए तो उन्होंने छुट्टी कैंसिल की। सरकारी छुट्टी थी कश्यप जयंती? कश्यप जयंती हाँ, अखिलेश यादव ने करी थी जी। उत्तर प्रदेश सरकार में अखिलेश यादव खत्म कर दिया? हाँ खत्म कर दिया योगी सरकार ने। योगी सरकार ने खत्म किया कश्यप समाज की जो जयंती थी, उसको किसने खत्म किया और किसने लगाया था? अखिलेश यादव ने लगाया था, योगी सरकार ने खत्म कर दी। अच्छा, कि छुट्टी नहीं होगी? आप ही लोगों ने तो योगी सरकार को जिताया है। हमने तो भरोसे में जिताया है ना। किस भरोसे में? आपकी बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और जिता योगी को रहे हैं। ऐसा हमने सोचा कि योगी अच्छा। क्या बोले आप? बताते हैं कि एक बटन कोई भी दबा दो जाएगा कमल के फूल को। क्या हुआ? किसी पे भी बटन दबाओ जाएगा मोदी जी को। आप लोगों को भी ऐसा लगता है? हाँ जी ऐसा सही है ये। क्या लगता है कि किसी को भी बटन दबाओ जाएगा मोदी जी को? नहीं देखो, हम ये नहीं कह सकते, हमारा समाज तो सारा 95% गया ही मोदी को, क्योंकि उन्हें गंगा मैया ने बुलाया था उत्तर प्रदेश में, हमने MP बना के पार्लियामेंट भेज दिया। लेकिन हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, हम उससे बड़े दुखी ना, हम ऐसी हैं। आपके साथ तो होना ही है, अखिलेश यादव ने आप लोगों की जयंती मनवाई और आपने योगी को जिता दिया, बताओ। हाँ। और अब उन्होंने अच्छा किया, हटा दिया आप लोग। देखिए हम और जिताइए, आज राजनीति पे नहीं बोलेंगे, हम आज आए हैं अपना अधिकार मांगने। अब आप तो खो दिए अधिकार? नहीं नहीं, अब अगर आज के बाद अगर हमारा आज अधिकार नहीं प्राप्त होता हमें, हम यहाँ वो नहीं देने आए विज्ञापन, हम आरक्षण लेने आए। यहाँ से आरक्षण लेके जाएंगे? हाँ। तब तक रहेंगे कहाँ? जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा कहाँ रहेंगे? यही जंतर। हाँ और क्या करना हमें? हम तो यही रहना, हमें तो जाति में आरक्षण चाहिए या नौकरी चाहिए, रामराज चाहिए? नहीं मैम, हमें तो सभी समान चाहिए, हमें आरक्षण भी चाहिए, रामराज रामराज भी चाहिए। भागवत बड़ौद के आदमी यही लौट जाएंगे सारे, पल भी जाग है, हमें जरूरत ना किसी घाट पिटेगी, आरक्षण लेने आए आरक्षण लेके जाएंगे। ठीक है जी, किसको जिताएंगे? जिताने को तो मैं पूरी बात अपनी बताना चाहता हूँ। दरअसल क्या है कि हम जब संविधान लागू हुआ था बाबा साहब का, तो हमारी जाति महार, सभी महार जाति के लोग हैं, महार जाति महाराष्ट्र में हूँ, SC में है, हिमाचल में SC में है, बिहार में OBC है, SC है, और यहाँ भी हमारी महार जाति की उपजाति मल्ला दिल्ली में SC है, और उत्तर प्रदेश में हम OBC हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश ज्यादा प्रोग्रेसिव है, उत्तर प्रदेश में हम नौकरी मिल रही है, सब एक समान है, किसी को आरक्षण नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? सब कहाँ एक समान है ही नहीं, रामराज आ गया एक ही समान हो, राम नहीं, हम रामराज से इत्तेफाक नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? नहीं रखते, हिंदू नहीं है? हिंदू है, लेकिन जो धोखे से किसी कार्य को करे या वोट लूटने का काम करे, झूठ सच की राजनीति करे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी,
होगी भी। देखो हमारे से वादा कहीं बार कहा कि आपका आरक्षण लागू करेंगे, 2018 में एक दिन के लिए लागू भी करा, चुनाव लड़ना था और वो जो है पोर्टल पे ही नहीं चढ़ा। तो हम योगी ने आरक्षण लागू करा। हमारे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है कि हमारी जाति जो है पिछड़ी जाति में थी, उसके साथ बड़ी बड़ी जातियां जैसे जाट जैसे गुज्जर इनको जोड़ दिया, उन्होंने सबको हमें पीछे हटा दिया। हमारा हमें मतलब एक तरह से रोटी छीन ली हमारे बच्चों के मुंह से, इन लोगों ने छिनवाई। बीजेपी ने लागू किया था जाट को आरक्षण यूपी में। लेकिन बीजेपी को तो सब प्यार करती है, बीजेपी जो है सबसे जो है लोकप्रिय आज के समय में लोकप्रिय है। ये थी कि ये कुछ देंगे, ये आरक्षण लागू करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि हम पिछड़ी जाति को कश्यप समाज को आप लोग क्या करेंगे, हम यहाँ या तो आरक्षण लेके जाएंगे। 2024 में जिता दीजिए। नहीं, अगर आरक्षण नहीं मिला अब नहीं जिताने के, बिल्कुल चलने के बाद आरक्षण दे देंगे। फिर भी सुनो, आरक्षण देंगे तो बिल्कुल जिताएंगे, जी जान से रहेंगे। आपका तो आरक्षण दे देंगे, उनका नहीं देंगे तो वो नहीं देंगे। नहीं नहीं, सबको मिलना चाहिए, सिर्फ साथ ही है, सब एक ही है, एक ही कैटेगरी के लोग हैं मोदी के साथ रहेंगे। अगर आरक्षण नहीं तो 2024 में वोट नहीं। आरक्षण दे। और आज जो चीजें तो प्राइवेट हो रही है, नौकरी कहाँ करेंगे आपके बच्चे? देखिए सरकारी तो हट रही है, स्कूल सरकारी है, स्कॉलरशिप मिलती है हमारे बच्चों को, तो कोई खत्म हो रहा है अभी नहीं हो रही ना, आज का टाइम नहीं है। क्या करेंगे आरक्षण लेके, जब कुछ बचेगा ही नहीं। बजे क्यों नहीं मैम, ना बजे तो हम दे दो, हमें तो हमारे तो शांति हो जाएगी, सब खत्म होगा, सबका होगा, हमारा हिस्सा हमें दे दो। 2024 में क्या होगा? 2000 गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? 2000 प्रधानमंत्री तो मोदी बनेगा। ऐसे कैसे बन जाएगा? 2000 ओबीसी बनाता है और ओबीसी बिगाड़ता है जिसको, ओबीसी और एससी। अगर आरक्षण नहीं तो उत्तर प्रदेश की धरती पे ये रथ बराबर चलेगा। देखिए आप उस रथ को जरा देखिए, बराबर चलेगा, देख सकते हैं इन लोगों ने गाड़ी में जो है रथ लगाया हुआ है। बुलाया था वो झूठा है, झूठ बोलकर वोट ठगने का काम किया। ऐसे व्यक्ति को 2024 में वोट नहीं देना जो समाज के साथ धोखा। राशन तो दे, राशन की जरूरत नहीं है, राशन, अरे राशन से पेट भरेगा जी। पाँच किलो राशन से आप अपना पेट भरिए ना, हमें नहीं चाहिए 5 किलो राशन। मैं तो खुश हूँ, तो हमें आरक्षण दिलाया। सिलेंडर 1180 का है, बिजली का बिल 3000 आता है अपना भैया, हमें तो वही दे दो जो पहले था और अपना राशन आप वापस ले लो, हमें जरूरत नहीं राशन की है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग देख लीजिए यहाँ पे आरक्षण की मांग कर रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि 5 किलो राशन रखो अपने पास, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए। और ये लोग तब तक यहीं पे रहेंगे जब तक इन लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। 2024 का चुनाव नजदीक है और ये लोग कह रहे हैं 2024 से पहले अगर मोदी जी ने आरक्षण नहीं दिया तो हम लोग मोदी जी को नहीं जिताएंगे, तख्ता पलट कर देंगे। तो आप लोग को क्या लगता है, पूरी खबर पे आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।